आपको मेरी चैनल निशान द स्टोरी टेलर पर स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा रेड रेडिंग हुड की। एक छोटी लड़की थी, वह अपने माँ के साथ जंगल में रहती थी। उसकी माँ ने एक दिन रेड रेडिंग हुड को उसकी बीमार नानी के पास टोकरी में खाना लेकर भेजा। माँ बोली, बेटा सीधे रास्ते जाना और किसी बिना जान पहचान वाले व्यक्ति से बात मत करना। रेड रेडिंग हुड माँ की बातों को सुनकर नानी से मिलने चल पड़ी। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। माँ की बातों को भूलकर वह भेड़िए से बोली, मैं अपने नानी से मिलने जा रही हूँ। भेड़िया यह सुनकर जल्दी से नानी के घर पहुँच गया और अकेला पाकर नानी को चट कर गया। फिर पलंग पर शाल ओढ़कर रेड रेडिंग हुड को इंतज़ार करने लगा। जब रेड रेडिंग हुड नानी के कमरे में पहुँची तो भेड़िए अपनी बड़ी बड़े आँखों और दांतों के देखकर वह बोली, नानी आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए एकदम बोला, तुम्हें खाने के लिए। रेड रेडिंग हुड की चीख सुनकर शिकारी दौड़ता हुआ आया और भेड़िए को मारकर रेड रेडिंग हुड को बचा लिया। भेड़िए के पेट से नानी जिंदा बाहर निकल आई। रेड रेडिंग हुड को अपनी माँ की बात याद आ गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।